विधानसभा हलका कादियां तो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कमलप्रीत सिंह काकी वालों श्रोमणी अकाली दल के तिखे हमले किए गए हैं। अकाली दल वालों चोणों दौरान की जा रही शराब की वरतों की भी निखेधी की है। इस दौरान आम आदमी पार्टी के पीसीसीएल के सूबा चेयरमैन डॉक्टर मनमोहन सिंह भागोवालिया वालों भी डेरा सिरसा वालों श्रोमणी अकाली दल नूं अपनी हिमायत देने ते सवाल चुके गए हैं। इस मौके डॉक्टर भागोवालिया वालों श्रोमणी अकाली दल ते कई गंभीर दोष भी लगाए गए हैं। खबर पढ़ी है कि शिवराज डोडा जरा वो गोदामों में बहुत बड़ी मात्रा में जी शराब फरोई है, गंदी शराब अज लोड़ है यहोजी चीज़ों का प्रवक्ता लिया, क्योंकि ये शराब जी सी ये शराब ने किन्ने लोगों के घर लाया से, किन्ने लोगों को यह शराब ने मारना से, और इन्नी घटिया हरकत अज ये लोग कर रहे हैं कि जिन्हों तो लोग अक गए हैं। अज पिंड बिल्कुल इस गल को लैके तुर पे, मैंने ना सी कांग्रेस वेखनी है ना असं अकाली वेखना है, सिर्फ तो सिर्फ असं आम आदमी पार्टी वोट करना है, और लोगों के बड़ा उत्साह आ, लोग बड़े उत्साह वोटा पाने तैयार ने। सौदा वालों समर्थन अकाली भाजपा का किया गया, यह साबित कर दिता कि इन्हों बादलों भी पता कि श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जरा चोरी किया गया सुरूप कितने आ, तो इन की मिली भुगतना ही ये बेअदबी कांड होए ने, इन की मिली भुगत के नाल ही जिहड़े दूसरे गोली कांड होए ने, बरगाड़ी कांड होए ने, ये अज सारियां संगतां दे सामने आ चुके आ। इस दे नाल ही मैं समझना कि जिहड़ा लगभग 5 लाख तो वध बोतल शराब की फड़ी गई है, और इन्हां दे एक व्यापारी शिवलाल डोडा जिहड़ा इस वेले जेल च बैठा उहदे नां दे उत्ते इन्नी वड्डी खेप पंजाब दे विच पहुंच जाणी, ते 50-50 ट्रक कट्ठे होणे ते 50-50 नाके जिहड़े पुलिस दे उह वी लंघ के आ जाणा, इह साबित करदा कि 10 साल जिहड़ा इत्थे नशियां दा दरिया वगदा रिहा जिहदे विच साडी नौजवानी डुब गई, उह इहनां अकाली दल दी सी देण सी। सो इस करके इहनां चीज़ां नूं मद्देनज़र रखदिआं श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब नूं मैं अपील करांगा कि जिथे उन्हें कहा है कि जो डेरा सच्चा सौदा के नाल रोटी बेटी की सांझ रखेगा उन्होंने पंथ चो छेक देंगे, तो इन्हों चाहिए कि अकाली दल बादल दे बादल परिवार तो सारे ही उम्मीदवार जोड़े ने पंथ चो छेक दे देने चाहिए ने, क्योंकि इन्होंने जाके मदद ली है, और जोड़े शराब के व्यापारी आ इन्हों के उत्ते भी धार्मिक तौर पर जरूर सज़ा लानी चाहिए है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे।